तो काफ़ी दिनों के बाद मैं निकला वो मोटो ब्लॉगिंग का सेटअप के साथ, क्योंकि मुझे देखना था कि वाइज़र लगाने के बाद कैमरे में बाइक कैसे दिखती है। अभी तक मैंने ट्राई नहीं किया, ना ही कोई राइड किया है इसको लगाने के बाद, तो एक बार पता चल जाए कि कैसा होता है। और कुछ दिनों से मेरे माइक में ना थोड़ा फॉल्ट आ गया था, मतलब साउंड थोड़ी फट रही थी, तो अभी थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट किया है, तो एक बार चेक भी हो जाएगा कि माइक सच में कुछ प्रॉब्लम हो गया है या फिर मैं ऐसे ही सोच रहा हूँ कि प्रॉब्लम हो गया है। और साथ ही थोड़ा सा मज़े ले लिया जाए मोटो व्लॉग। आई थिंक थोड़ा सा मुझे कैमरा एंगल चेंज करना पड़ेगा, थोड़ा ऊपर उठाना पड़ेगा, कुछ ज़्यादा ही नीचे हो गया भाई। हाँ अब ठीक है, शायद अब ठीक है। बाकी बताना एंगल आप लोगों को कैसा लग रहा है, इस एंगल में मेरा वाइज़र सही लग रहा है देखने में या नहीं, पता नहीं, मैं तो बाद में जाके देखूंगा एडिटिंग के टाइम। हाँ बट आपसे पहले मुझे पता चल जाएगा, लेकिन आप लोग भी बताना कि वाइज़र कैसा लग रहा है लगने के बाद, और बाइक का लुक निखर के आ रहा है कि नहीं। और अभी चलते हैं थोड़ा सा जहाँ पे हम लोग बाइक लेमिनेशन कराते हैं या फिर रैप वगैरह कराते हैं उस शॉप में, और इसको सोच रहा हूँ कि हल्का सा सामने से टिंटेड करा दूँ ताकि स्क्रैचेस वगैरह ना आए, या तो वाइट लेमिनेशन करा दूँगा पूरा PPF टाइप का, या फिर सोच रहा हूँ हल्का सा टिंटेड करा दूँगा। अगर देखता हूँ जाके पहले शॉप पे, अगर खुला होता है तो फट से जाके करा दूँगा, क्योंकि काफ़ी दिनों से ये काम पेंडिंग पड़ा रह जा रहा है। जब भी सोच रहा हूँ कि आज करूँगा कल करूँगा, तो कभी शॉप वाले के पास टाइम नहीं रह रहा है, कभी मेरे पास टाइम नहीं रह रहा है, तो अभी थोड़ा थोड़ा सा टाइम देंगे और जाके करा लेंगे फटाफट। बाकी आप लोग कमेंट करके बताना कि वाइज़र आप लोगों को कैसा लगा, और पिछला ब्लॉग अगर आप लोगों ने देखा था तो उसमें वाइज़र कैसा लग रहा था आपको, मॉडिफिकेशन सही से हुई या नहीं, वो भी कमेंट में कर दीजिए भाई। तो बस पहुँच ही गए हम लोग थोड़ी ही देर में, बस यहीं पे भैया जी का दुकान है, जूम रेडियम के नाम से है। आप लोगों को भी अगर बाइक वगैरह का कुछ काम कराना हो तो पांडेश्वर से अगर जितने भी देख रहे हो तो यहाँ पे आ सकते हो, बट आने का कोई फ़ायदा नहीं हुआ दोस्त, देख सकते हो सब भैया जी का बंद है ये जूम रेडियम। अब फिर से मुझे अलग टाइम निकालना पड़ेगा, क्योंकि अभी जाना है फटाफट ऑफिस, अगर ऑफिस नहीं गए तो फिर दिक्कत है भाई। बट ऑफिस जाने से पहले असलम भाई के पास भी जाना है, असलम भाई के पास इसलिए क्योंकि जाके मस्त चाय वगैरह पी के आ जाऊँगा, उसके बाद एक बार मैं सेंटर खोलूँगा। बाकी एक चीज़ बता दूँ, ये ज़रा सा भी हिलता नहीं है, ना वाइब्रेट करता है, कुछ भी इरिटेट जैसा कुछ नहीं करता, सब कुछ परफेक्ट हुआ था, पिछले ब्लॉग में मैंने आप लोगों को बताया था। और बाकी आपको व्यू कैसा मिल रहा है एक बार कमेंट करके बता देना, अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है। भाई पहुंच गए असलम भाई के दुकान, असलम भाई भी बैठा हुआ है, स्माइल तो देखो भाई साहब की। हाय, थोड़ा सा चाय पियेंगे और फिर निकल जाएंगे अपने ऑफिस की ओर। तो भाई साहब चाय पीने के बाद हम लोग निकल गए हैं अपने ऑफिस की ओर, फटाफट काम करूंगा, दो चार पेंडिंग पड़ा हुआ है, काम करने के बाद फिर पहुँच जाएंगे अपने घर की ओर। आज तो काम हो नहीं पाया हमारा वाइज़र वाला, देखते हैं किसी और दिन जब कराऊंगा तो फिर आपको दिखाऊंगा भाई साहब। क्या रे बालक, हैं ये बहुत बार है वीडियो में आते रहता है, बचपन से वीडियो में आ रहा है। अच्छा हमको सिखा रही है। तो भाई साहब हमारे बाइक में हो रही है थोड़ी सी ब्रेक की प्रॉब्लम, बहुत ही कम लग रहा है पीछे वाला, देख सकते हो इतना दबा रहा हूँ फिर भी ब्रेक काम नहीं कर रहा है। तो चलते हैं अंकल के पास और कराते हैं इनका थोड़ा ब्रेक टाइट, क्योंकि भाई जब भी ब्रेक लगाता हूँ तो काफ़ी देर बाद ब्रेक लगती है भाई, और ब्रेक होना बहुत ज़रूरी है बाइक में, जैसे कि आप लोगों को पता नहीं है, बता दिया आज। क्या बोला तूने? मतलब ब्लॉगिंग कर नहीं रहा हूँ तो कुछ भी बोल दे रहा हूँ, क्या करूँ, बात तो करना पड़ेगा ना, वरना बोरिंग बोरिंग ब्लॉग बनेगा ऐसे। कल से मैं कल हेलमेट में भूल गया था अपने सेंटर में ही, यानी अपने ऑफिस में ही, तो और कल जो वाइज़र टिंटेड कराना था वो भी नहीं हो पाया, आज फिर फ़ोन किया तो आज उनका तबीयत ख़राब है, पता नहीं सारा काम मेरा पेंडिंग ही पड़ जाता है, कुछ भी काम ढंग से हो ही नहीं पा रहा है। ब्लॉग में क्या दिखाऊँगा कुछ समझ में नहीं आ रहा यार, साला ये दुख का ख़त्म नहीं होता बे। तो इस वजह से चलते हैं थोड़ा सा अंकल के पास, ब्रेक टाइट करा लेता हूँ, अगर इधर मार्केट साइड आया ही हूँ
दो मिनट का काम है, कराऊंगा और चेकअप भी कर लूंगा। और आज मैं आपको इस ब्रिज के ऊपर लेके जाऊंगा। देख सकते हो काफ़ी दिन हो गए ये ब्रिज का बने हुए, लेकिन एक भी ब्लॉग नहीं बनाया या फिर एक भी बार इस पर बाइक लेके नहीं गया है। तो आज इस बाइक पे जाऊंगा, बाइक पे तो ब्रिज पे जाऊंगा। तो ये है हमारा अंकल की दुकान का टेनिया, तो इससे कराऊंगा थोड़ा सा ब्रेक टाइट। भाई पीछे वाला ब्रेक तो टाइट कर देना थोड़ा सा। मगरा हाँ पीछे वाला टाइट कर देना। देख सकते हो टेनिया हमारा करेगा ब्रेक टाइट। ब्रेक पकड़ नहीं रहा समझा, नया ब्रेक शू लगाया उस दिन लेकिन ब्रेक नहीं पकड़ा। थोड़ा टाइट कर दे। ऐसा टाइट करियो कि जहां मारे वहीं रुक जाए, ज्यादा भी मत कर दियो कि घिसड़ के हम ही निपट जाए। बस 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 हो गया हो गया हो गया, इतना काफ़ी है। तो जाएंगे थोड़ा आगे से घूम के आएंगे इस ब्रिज के ऊपर। ऊपर से बीच में चढ़ने का कहीं ऑप्शन नहीं है भाई, एकदम एक बार इस ब्रिज पे चढ़ जाओगे तो इस छोर से लेके उस छोर तक तो अब जाना पड़ेगा। देख सकते हो वो ग्रीन वाला बोर्ड, यहाँ से पता नहीं आपको दिख रहा होगा या नहीं दिख रहा होगा, वो ग्रीन वाला बोर्ड के पास से फिर ऊपर चढ़ूँगा। ऊपर चढ़ने के बाद एक साइड का ही ब्रिज खुला हुआ है, दोनों साइड का नहीं खुला है अभी तक। पता नहीं दोनों साइड का क्यों नहीं खोला इन लोगों ने, कब खोलेंगे या फिर उद्घाटन होगा इसका तो खोलेंगे शायद। पहली बार आपके ब्लॉग में यानी हमारे ब्लॉग में आपको इस ब्रिज को दिखाने वाला हूँ। क्या ही खूबसूरत ब्रिज बनाया भाई, अच्छा लगता है। अब ब्रेक जाम जाम लग रहा है, सही से पकड़ नहीं रहा है, मतलब क्या प्रॉब्लम है पता नहीं। टाइट करा है फिर भी उतना अच्छा काम नहीं कर रहा। तो यहाँ से चढ़ते हैं भाई हम लोग ऊपर की ओर। बाप रे बाप बाइक लगा के रखा है यहाँ पे, चल क्या रहा है भाई इतना सारा बाइक। चलो तो स्वागत है आप सभी को फिर से इस ब्रिज वाले व्यू पे। देख सकते हो काफ़ी अच्छा है भाई ब्रिज, डुअल लेन हाईवे यानी फोर लेन, दो इधर दो उधर, फोर लेन हाईवे है। थोड़ा भगाते हैं भाई साहब, आपको ऐसे स्पीड पता नहीं चल रही होगी लेकिन काफी ज्यादा स्पीड चला रहा हूँ। पहली बार इस ब्रिज पे आया हूँ भाई साहब, देख सकते हो हैंडल थोड़ा सा बबलिंग तो करता है लेकिन क्यों करता है पता नहीं, स्लो होने के बाद ये बबल करता है। देख सकते हो ऐसे ऐसे भाग रहा है या फिर रोड की वजह से भाग रहा है पता नहीं। अब यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा ढलान, इधर फूल बगान मोड़ रह गया पीछे लेफ्ट साइड में, यहाँ से ले लेंगे। इधर से घुस जाता हूँ यार, कौन उतना दूर घूमे उधर। एक राउंड मार के आ गए, अब चलते हैं घर की ओर। अरे बीच रोड में कौन टोटो रोकता है भाई,